Another video. Today I will describe valence electrons and valency. Okay. So first of all, what is valence electron? The outermost electron cell. Of an atom the outermost electron cell of an atom is called its valence cell. Okay, the outermost electron cell of an atom is called valence cell, and the electrons present in the outermost cell of an atom are called valence electrons. Okay. Since these electrons determine the combining capacity, that is valency of the atom. Okay, the outermost electron cell of an atom is known as valence cell, and the electrons present in the outermost cell of the atom is called valence electrons. And these electrons determine the combining capacity of atom. Okay, तो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सेल, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल क्या होता है? तो एटम का वह सेल, एटम का वह आउटर मोस्ट सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. ओके, ये आपका न्यूक्लियस हो गया एटम का, ठीक है. इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, और ये जो है आपके सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है. ओके, ये पोटेशियम का मैं एटम ड्रा किया हूं, एटॉमिक नंबर होता है 19. तो यहां पर आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. तो इसी सेल को, इस सेल को क्या कहते हैं? वैलेंस सेल कहते हैं, वैलेंस सेल या आउटर मोस्ट सेल, ठीक है. और आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट
इन आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो पोटेशियम में यदि पूछा जाए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वन होगा, ठीक है। ये पोटेशियम एटम है, एटम ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 19। पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन, तो इस पोटेशियम का यदि इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन करोगे तो पहले सेल में इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे सेल में एक इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे सेल में एक इलेक्ट्रॉन्स, चौथे सेल में वन इलेक्ट्रॉन। ये बैलेंस सेल है, बैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में होता है उसको हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यही एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी या वैलेंसी को डिटरमाइन करते हैं, ओके। इसको नोट कर लीजिए, मिटा दें, ओके। तो बैलेंसी क्या होती है बच्चों, अब इसको डिफाइन मैं कर देता हूं। व्हाट इज बैलेंसी? द कैपेसिटी ऑफ एन एटम, द कैपेसिटी, द कैपेसिटी आप है एटम दी कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स इज नोन एज वैलेंसी, ओके। अब बच्चों मेटल्स की वैलेंसी निकालने के लिए कुछ फार्मूला बता देना हो, वैलेंसी ऑफ अ मेटल, वैलेंसी ऑफ अ मेटल इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, ऐसे ही किसी नॉन मेटल का वैलेंस निकालना हो, वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल इक्वल टू ए माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ओके। नॉन मेटल की वैलेंसी निकालने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो वैलेंसी आपकी चली जा रही है, ठीक। अब
टाइप ऑफ बैलेंसिंग। इसको नोट कर लीजिए, मिटा देता हूं। टाइप्स ऑफ बैलेंसिंग, तो बच्चों बैलेंसी जो होती है दो तरह की होती है। एक होती है इलेक्ट्रो बैलेंसी ओके, और दूसरी होती है को वैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी है को वैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन, ओके, बाय एन एटम टू अटैन नियरेस्ट नोबल गैस कंफिगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस कंफिगरेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो बच्चों, ये सोडियम होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है। तो यह एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और इसका कंफिगरेशन हो जाता है 2.8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिखा था 2.8.1। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण यह नियरेस्ट नोबल गैस, जैसे जो नियान होता है उसका जो है कंफिगरेशन अटैन कर लिया है, ठीक है। तो चूंकि एक इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज कर रहा है, इस नाते सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है, ओके। ऐसे ही मैग्नीशियम की कैल्शियम की आप कैलकुलेट कर सकते हो। ना को वैलेंसी को मैं डिफाइन कर रहा हूं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर बाई एन एटम टू अटैच नियरेस्ट नोबल गैस कंफिगरेशन, इज नोन एज कोवैलेंस। ओके, तो बच्चों हम देख सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है, 2.6, ठीक है। दूसरा ऑक्सीजन एटम 2.6, यह दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है? दो इलेक्ट्रॉन।
देखो ये जो है अपना दो इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर दी, ये वाला एक्सेलेरेटर अपना दो इलेक्ट्रॉन जिसे अक्सर को शेयर किया, तो इसका आपका पूरा होगा नियरिंग टोटल गैस कंफिगरेशन हो गया नियर गैस का। अभी ये जो है अपना दो इलेक्ट्रॉन जो है इस वाले ऑक्सीजन को शेयर कर दिया, इस तरह से इसका भी आके पूरा हो गया। अर्थात आप कह सकते हो कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज टू, ऑक्सीजन कोवैलेंसी कितनी है टू होती है। थैंक यू।